हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड क्लासेस। आज मैं आपसे शॉप है आप लोग का टेंस का जो पार्ट बचा हुआ था ना वो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, तो बहुत ही लंबे अरसे के बाद मैं उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, और मैं माफी चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, वीडियो अपलोड हमारे चैनल पर नहीं हो रही थी टेंस की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बट मैं आज से आपका वीडियो मैं कंटिन्यूअस डालने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने टेंस के बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, उन वीडियो को भी देखें आप। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, अगर किसी प्रकार का आपको कोशिश समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स पे आप लिखिएगा तभी तो मैं आपके मन को जान पाऊंगा ना कि आपको क्या समझ में नहीं आई, इसलिए कमेंट बॉक्स पे लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो को। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, जो भी हमारे हैं टेंस के जो पार्ट मैंने पहले बना दिया है, उनका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड, मतलब उनका वीडियो का जो लिंक है ना वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और हमारा एक ग्रामर नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आप वहां पर भी जाकर आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं जो वहां पर आपको सीरीज बाय सीरीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पता है कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को खत्म कर लिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। पास्ट टेंस किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, तो पास्ट टेंस किसको बोलते हैं कि जो घटना मेरा पहले घट चुका है, यानी भूतकाल में जो घटनाएं मेरी घटित हुई है, जो घटना मेरा अभी घट रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। ठीक है, जो घटनाएं मेरी घटने वाली है, जो घटनाएं मेरा घटने वाली है उसे फ्यूचर कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो घटनाएं मेरा घट चुका पहले ही कंप्लीट हो चुका हो काम को, ठीक है, जो काम मैंने पहले कर ही कर लिया हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग पास्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले पास्ट टेंस, क्या पढ़ने वाले? पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा रहा था कि प्रेजेंट टेंस के चार भेद पता हम लोगों पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, उसी प्रकार से आज यहाँ पर भी हम लोग पढ़ने वाले पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे सिंपल पास्ट, सबसे पहले बात आएगी क्या हमारे पास? सिंपल पास्ट। उसके बाद हमारे पास आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमारे पास पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसीलिए मैं चारों का आपको पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ताकि मैं देखिए अगर मैं एक भी चीज को एक ही टॉपिक पे अगर पूरी तरह से मैं बोलता हूँ कि पास्ट टेंस की मैं एक वीडियो बना के आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें होता है कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। ठीक है, बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए मैं क्या किया हूँ कि हर एक वीडियो को मैंने पार्ट पार्ट वाइज में बांट कर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सीख भी रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सिंपल पास्ट, उसके बाद हमारा आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। क्या आ जाएगा हमारा? पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। क्या है हमारे पास? पास्ट परफेक्ट। और फिर हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग समझने वाले हैं सिंपल पास्ट। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट सबसे पहले जो बच्चे हमारे पास यहाँ पर ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, जो बच्चे ट्रांसलेशन सीख रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ सिंपल पास्ट को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट का है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि यहाँ पे ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि हमारे यहाँ पर अपने बोर्ड की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सभी के लिए एक ही वीडियो पर हर एक मेटेरियल को देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा मेटेरियल प्रोवाइड किया जाए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क आए और आपका उज्जवल भविष्य हो सके। ठीक है, यानी आपका भविष्य और भी बेहतर हो सके, इसके लिए मैं हमेशा दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ आप बने हुए, ये भी मुझे बड़ी खुशी की बात है, हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि आप हमारे चैनल के साथ बने हुए और हमारे आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में देखिए सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानेंगे कैसे, ये सिंपल पास्ट का है। तो वाक्य के अंत में अगर हमारे या रहता है, ई रहता है, ए रहता है, उसके बाद ता था रहता है, ती थी रहती है, या फिर ते थे रहते हैं।
ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में या रहता है, ए रहते हैं, ई रहते हैं, ती रहता है या ती था रहता है, ठीक है, उसके बाद सॉरी ता था रहता है, ती थी रहती है, ते थे रहते हैं, तो हम लोग क्या समझेंगे, वो हमारा सिंपल पास्ट का है। कहा का सेंटेंस, वो मेरा सिंपल पास्ट का है, ठीक है। तो चलिए अब जरा इसके इंग्लिश डेफिनेशन को समझने के प्रयास करते हैं कि इसका इंग्लिश का जो डेफिनेशन है सिंपल पास्ट, तो वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है। बोलता है इट शो अबाउट, इसमें वैसे चीजों को शो किया जाता है, इट अबाउट हैबिटुअल एक्शन, जो हैबिट होता है, जैसे कि हम लोग को पढ़ रहा था ना सिंपल परजेंट टेंस के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था, तो सिंपल परजेंट टेंस में होता क्या है कि वैसे एक्शन के बारे में शो किया जाता है जो मेरा हैबिट है, यानी दिन प्रतिदिन की जो हमारी आदतें होती है, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ रहा था। और वहां पर जितने भी हमारे सेंटेंस होते थे वो सभी क्या होते थे, यानी उन सभी हमारे हैबिट होते थे, आदत होते थे। तो यहाँ भी आदत तो कोई शो करना है, लेकिन वो आदत जो आज मेरी घटित हो रही इसे शो नहीं करना है, जो आदत मेरा घट चुका है, यानी कल मैं सुबह उठा था, ठीक है, जो भी कुछ हुआ कल मैं सुबह उठा था, या फिर कुछ भी हम लोग बोलते हैं ना कल मैं सुबह 6 बजे उठता था, इस प्रकार से जो भी सेंटेंस होते हैं, यानी हैबिट तो है वो हमारा, लेकिन वो हैबिट हमारा है कहाँ का, पास्ट का है, किस कहाँ का है ये हैबिट हमारा, पास्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इट शो अबाउट हैबिटुअल एक्शन, यहाँ पर वैसे एक्शन को शो किया जाता है, इंसिडेंट को बताया जाता है, इवेंट को बताया जाता है, जो हमारा कहाँ का है, प्योर पास्ट का है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर हैबिट को बतलाया जाता है, हैबिट के सारी घटनाओं को बताया जाता है, या फिर कोई भी घटनाएं रहती है, या फिर हैबिटुअल एक्शन के बारे में शो किया जाता है, या फिर कोई इंसिडेंट के बारे में बतलाया जाता है, कोई इवेंट के बारे में बतलाया जाता है, लेकिन वो इवेंट होना कहाँ का चाहिए, प्योर पास्ट में, अगर वो घटना घटित हो रही हो तो उसे हम लोग क्या समझेंगे, सिंपल पास्ट समझेंगे, ठीक है। तो इट शो अबाउट हैबिटुअल एक्शन इंसिडेंट एंड इवेंट्स और प्योर पास्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो भी एक्शन को शो किया जाता है, जो घटनाएं को शो किया जाता है, वो हैबिचुअल हो सकता है, लेकिन वो घटना मेरा होगा कहाँ का, प्योर पास्ट का, इंसिडेंट प्योर पास्ट होना चाहिए, इवेंट जो हमारा कहाँ का होना चाहिए, प्योर पास्ट का। तो उसे हम लोग क्या समझेंगे, उसे हम लोग क्या समझेंगे, सिंपल पास्ट समझेंगे, ओके। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसके रूल, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। ए आर का मतलब होता है अफर्मेटिव रूल, क्या होता है इसका मतलब, अफर्मेटिव रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, जो हम लोग पहले वीडियो से ही देखते आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग को हर एक चीज पता है। उसके बाद लिखा मैंने भर्तू, भर्तू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट, तो भर्तू हम लोग को बता देना चाहता हूँ, भर्तू हमारे पास्ट को बतलाती है, किस चीज को बतलाती है, पास्ट को बतलाती है, यानी पास्ट को बतलाने के लिए हमारा कौन आता है, भर्तू आता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो किसी भी सेंटेंस में लोग कैसे पता करेंगे ये पास्ट का है, तो हमारा भर्तू अगर लगेगा तो भर्तू लगने से क्या होगा, देखिए भर्तू लगने से तो एक मेन क्रिया जो हमारा मेन एक्शन है उस चीज को दिया बतला देगा, ठीक है, और उसके साथ साथ और ये काम क्या कर देगा मेरा, ये पास्ट का भी काम को कर देगा, यानी मेन एक्शन को भी बतला देगा और साथ साथ किसको बतला देगा, ये पास्ट को भी ये बतला देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव रूल है, नेगेटिव रूल होता है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे मैंने लिखा, उसके बाद डिड लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर वर्ब ऑन प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया। आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सर आपने यहाँ पर नॉट का जो प्रयोग किया वो भर्तू के बाद ना करके डिड लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, फिर वर्ब ऑन लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऐसा क्यों कर दिया आपने, इस प्रकार से रूल क्यों नहीं बना लिया कि सब्जेक्ट प्लस भर्तू प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तीन सवाल आपके दिमाग में आया होगा। चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्यों ऐसा मैंने किया और ऐसा रूल ही क्यों बनता है, ठीक है, ऐसा रूल ही क्यों बनता है, क्यों मैंने इस रूल को लिखा, क्यों नहीं मैं इस चीज को लिखा, तो मैं बता देना चाहता हूँ। सब्जेक्ट तो चलिए ठीक है यहाँ पर, उसके बाद मैंने डिड लगा दिया, आपको पता होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में इस बात की चर्चा की है कि माफी चाहता हूँ कि जो भी हमारा भर्तू है, सॉरी जो भी हमारा नॉट का प्रयोग जब कभी भी हम लोग करते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब के बाद करते हैं, और भर्तू मेरा ना तो हेल्पिंग वर्ब है और ना ही हमारा क्या है मॉडल वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब। तो डीड हमारा क्या है, ऐसा एक वर्ब है जो हमारे ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये किसको जो बदला रहा है, ये पास्ट को भी बदला रहा है, इसलिए हम इसके साथ नॉट भी ले लेंगे क्योंकि ये इसका भी काम कर देगा और ये पास्ट को भी बदला देगा, और उसके बाद पता है कि तो फिर भर्तू फिर ऑब्जेक्ट को नहीं लगा दिया, तो क्यों इसलिए नहीं लगा दिया मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि भर्तू जो हमारा है ना, आपको पता होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसकी चर्चा की है कि भर्तू और भरपाई
किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में एक ही बार इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, दो बार हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब टू का इस्तेमाल हम एक ही बार करेंगे। जो यहाँ पे डीड जो है ना, ये वर्ब टू ही है। किसका वर्ब टू है? ये भी हमारा क्या है, डीड जो हमारा किस चीज का है, क्या है, ये वर्ब टू है, ठीक है। और इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ब वन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब वन लगाएंगे। आई होप कि आप लोग को ये रूल समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको मैं स्पेशल कॉन्टेक्ट करूंगा और मैं फिर यहाँ से मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको डाउट है, अभी भी ये रूल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल को हम जरा समझ लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल में हुआ क्या है, ही कैम टू मी लिखा हुआ है, ही कैम टू मी, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लिखा है, कम क्या, कम का वर्ब टू क्या होता है, कैम होता है, ठीक है। तो मैंने वर्ब टू लिखा प्लस क्या, इधर ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये रूल हमारा कहाँ का है, यहाँ का है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इस रूल से। तो जो भी बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, अगर वो प्रिपरेशन हमारे इस वीडियो से देखकर कर रहे हैं अपने एनुअल एग्जाम को लेकर, ठीक है, और अगर आप सोच रहे कि क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होंगे क्या नहीं, तो बिल्कुल भूल जाइए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ ना कि रूल सारे याद होने चाहिए आपके। अगर रूल याद होते हैं और सेंटेंस क्या, अगर आपको सेंस को समझ में आ जाता है, सेंटेंस जो बोलना चाहता है उसके सेंस को अगर आप पकड़ ले रहे हैं, तो बिल्कुल ये आप सही मार्क आइएगा, 100/100 इस बात को बोलते हैं, 100% आप सही मार्क आइएगा, बिल्कुल गलत नहीं मानिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि हमारा रूल अगर पता है, कैसे हम किसी चीज को, यहाँ पे आपको एक सेकंड के लिए ये चीज दिया रहेगा, कैसे हम पकड़ेंगे कि यहाँ पे वर्ब टू लगेगा, कैसे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ठीक है। और आपको जो भी कुछ होगा अगर रूल हमारा पता रहेगा, तो हम लोग बिल्कुल आसान पूर्वक इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ठीक है। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारा चार यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया रहता है, ठीक है, और हमारे पास चार क्वेश्चन इस प्रकार से दिए रहेंगे, ठीक है, चार क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या रहेंगे, दिए रहेंगे, और यहाँ पे जो फील एंड द ब्लैंक जो रहेगा आपका खाली रहेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे चार भर आपको बना के दिया हुआ है, इसमें ना तो आपको भर को बनाना है, ना तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार के रूल को याद करना है। करना क्या है कि जैसा कि पता है हम लोग को रूल याद रहने चाहिए, ठीक है, रूल याद रहने चाहिए, और सेंटेंस का अगर सेंस आपको पता है तो बिल्कुल सही मार दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसके बगल में हमारा लिख देगा, यहाँ पर क्या लिख देगा, एक सेकंड के लिए समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ रहेगा कम, अब बताइए आप यहाँ पे क्या भरिएगा, ठीक है। जैसे कि चलिए हम यहाँ ऊपर में लिख लेते हैं इस चीज को, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, एक बार आपको फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक सेकंड, ही खाली रहेगा यहाँ पे जगह, ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहेगा टू मी, और ब्राइट में कर दिया हुआ कम, बताइए अब यहाँ पर क्या भरिएगा, क्या भरिएगा, यहाँ पर आप दो चीज यहाँ पे भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, दो दो चीज हमारी भरी जा सकती है, कैसे, यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, कम से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, और दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे कैम भी लिख सकते हैं, यानी दोनों में से किसी एक को अगर लिख रहे तो दोनों ही सही है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट, ये कहाँ का रूल हो गया, हमारा सिंपल प्रेजेंट जो हमने पढ़ के पार कर दिया, और ये रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये कहां का रूल हो गया, सिंपल पास्ट का, तो यहाँ पर दोनों ही चीज हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करवाऊंगा तो सारी प्रॉब्लम आपके जो भी मन में डाउट है ना, वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज हम यहीं पर रखते हैं, फिर हम नए वीडियो पर आपके लिए दूसरा जो टॉपिक हमारा पास है पास्ट कंटिन्यूअस, वो लेकर मैं प्रेजेंट होने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और अपनी जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।